नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी जॉब गाइडर। आज के वीडियो में सेल इसको स्टील प्लांट बर्नपुर, जो कि आपको रिसेंटली 5 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है, जो कि इसमें आपको 40 क्वेश्चन आपको टेक्निकल और 60 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल थे, जो कि आपको 2 घंटा के लिए आपको समय दिया था। तो उसी का हम क्वेश्चन आपको सेल इसको स्टील प्लांट का क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। आप लोग वीडियो को इन तक देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसमें नया नया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले गाइस, आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन था आपको कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल किस प्रकार कनेक्ट होते हैं, तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल जो होता है वो आर्मेचर के श्रेणीक्रम यानी कि सीरीज में कनेक्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट यानी कि चुंबकीय तीव्रता का एसआई इकाई क्या होता है, तो चुंबकीय तीव्रता का एसआई इकाई आपको कैंडेला होता है। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, यदि क्वाइल स्पाइन पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग कौन सा होगा, तो एसी वाइंडिंग आप लोग पढ़ते होंगे कि यदि क्वाइल पिच स्पैन आपको पुल पिच से कम होगा तो आपको फुल पिच वाइंडिंग होगा। आपको फोर्थ क्वेश्चन है आपको प्योर साइन वेव का फॉर्म फैक्टर, तो प्योर साइन वेव का फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 और पीक फैक्टर पूछेगा तो 1.414 होगा और आरएमएस वोल्टेज पूछेगा तो आपको 0.707 हो जाएगा। और पाँचवा क्वेश्चन है आपको डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर को क्यों एलिमिनेट करते हैं, तो इस पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आर्मेचर कोर को क्यों एलिमिनेट का मतलब क्या है, वार्निश कर रहे हैं यानी कि पत्ती को हम माने कि एक पर एक बैठा कर स्टम्पिंग कर रहे हैं, तो हम इससे जो एलिमिनेट करेंगे इससे क्या कौन सा लॉस आपको कम होगा, तो आपको एडी करेंट लॉस कम होगा यानी कि भंवर धारा, उसी का एक दूसरा नाम होता है आपको लियोन फोकोल्ट धारा। और जब ये सिलिकॉन का मात्रा इसमें मिलाएंगे, सिलिकॉन का पूछेगा तो इसमें आपको हिस्टेरेसिस लॉस आपको कम होगा, तो यहाँ पर पूछा एलिमिनेटेड, तो इससे आपको एडी करंट लॉस कम होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपको कैपेसिटर कौन सा कंपोनेंट है, तो जितने भी आपको ये कैपेसिटर है ये आपको पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है यानी कि संग्रहित करता है, जो कि आपको पीएसी कंपोनेंट है। और इसमें ऑप्शन था आपको कैपेसिटर के अलावा मॉस्फेट था, ट्रांजिस्टर था, तो वो सब आपको एक्टिव कंपोनेंट हो गया। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मीजर करने के लिए अपेक्षित शंट रेजिस्टेंस की गणना करें, जहां आंतरिक रेजिस्टेंस 27 ओम हो, तो इसका एक आपको फार्मूला होता है, जैसे हम बताते हैं आपको एक फार्मूला होता है M बराबर I बटे IM, तो हमको I कितना दे दिया है 10 मिली एम्पियर बटे आपको यहाँ पर 1 मिली एम्पियर है, तो इसको क्रॉस कर देंगे और बराबर 10 आ गया, ठीक, तो 10 आ गया। उसके बाद आपको इस पर हमको बोला क्या कि शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यानी कि RSH बराबर, तो RSH बराबर होता है आपको RM बटे M माइनस 1, तो M तो हम निकाल लिए हैं, RSH का मान कितना दिया है देखिए 27 दिया है, 27 एम का मान कितना है आपको उसमें वहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 9 निकालने हैं, यहाँ पर 10 निकालने हैं, तो 10 माइनस 1 बराबर आपको आपको 27 में से आपको 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो गया, तो 9 × 27 यानी कि आपको 3 ओम इसका आपको इंटरनल इसका शंट रेजिस्टेंस आ गया, तो इसका आपको 3 ओम हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन है, 60 हर्ट्ज पर 800 आरपीएम की सिंक्रोनस स्पीड वाली इंडक्शन मोटर की आपकी पोल की संख्या ज्ञात करें, तो पोल की संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे आप लोग पढ़ते भी होंगे एफ बराबर क्या होता है पी एन बट्टे 120, तो हमको क्या निकालना है पी निकालना है, तो 120 × f / n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बराबर, उसके बाद आप 120 × f का मान कितना है 60 बाय n का मान कितना दिया है आपको 800 rpm,
तो उसको क्रॉस कीजिएगा तो आपको बराबर में आपको एक मिनट इसको क्रॉस कीजिएगा टोटल आप इसको काट दीजिएगा पूरा तो इसका आपको आ जाएगा 9 पोल हो जाएगा। और आपको 9 नंबर क्वेश्चन है, एसी मोटर में 6 पोल स्टेटर में कुल इलेक्ट्रिकल ट्रिगी क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा आपको वाइंडिंग से क्वेश्चन आते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपको P/2 गुने 360 डिग्री, इस पर भी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट निकालेंगे तो 180 गुने पोल की संख्या कितना दिया है आपको यहाँ पर 6 दिया है, तो 180 गुने 6 कितना हो गया 1080 डिग्री हो गया। और P/2 गुने 360 है, इसको भी ऐसे काटेगा तो उतना ही आ गया P गुने 360। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 220 वोल्टेज RMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज ज्ञात करें। तो पीक वोल्टेज यानी कि तो पीक फैक्टर पर आप क्या होता है 1.414, तो 1.414 को आपको 220 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 311.08 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट से किस लॉस को हम मीजर या परीक्षण करते हैं। तो ट्रांसफार्मर पर आपको शॉर्ट सर्किट से हम कॉपर लॉस को आपको परीक्षण करते हैं और ओपन सर्किट से आपको आयरन लॉस को, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ओपन लॉस में ही आपको आयरन लॉस, हिस्ट्रीस लॉस और एडी करंट लॉस आते हैं। आपको 12th नंबर क्वेश्चन है, 3 फेज वाले इंडक्शन मोटर में तब क्या घटित होगा जब एक अपने परिचालन के दौरान फेज दो हो जाते हैं। तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा, यदि 3 फेज मोटर इंडक्शन मोटर में क्या घटित होगा जब एक फेज अपने परिचालन के दौरान फेज वन की वो डिवाइसन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में था आपको, मोटर न्यूनतम गति पर चलेगी और अंत में यह जल सकती है। आपको 13 नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट / 250 वोल्टेज रेट किए गए बल्ब के हॉट रेजिस्टेंस यानी कि आर पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला V² / P। तो वी का मान कितना दिया है आपको 250 × 250 / 100, ये 00 ख़त्म हो गया, 25 25 है आपको 625 हो गया, तो इसका 625 आपको ओम हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव में कौन सा मोटर यूज करते हैं। तो कौन नियतांक जो स्पीड ड्राइव मोटर है होता है उसमें शंट मोटर हम यूज करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, आपको नॉन टिकन से पूछा गया था यहाँ से, सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सेल के वर्तमान अध्यक्ष आपको सोमा मंडल है। और यहीं पे आपको सेल के पिछले बार आपको एग्जाम में राउरकेला में पूछा गया था कि सेल के इसमें कितनी इक्विटी होती है, कितना परसेंट, तो 75%। 16 नंबर क्वेश्चन है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप आपको हॉकी से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में, यहीं पे एक क्वेश्चन था, अल्टरनेटर में इंड्यूज करंट की दिशा किस नियम से की जाती है। तो इसमें आपको ऑप्शन में था आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, DC जनरेटर के बैक EMF पूछा था। तो इसका फॉर्मूला आता है, DC जनरेटर के बैक EMF को ही एक दूसरा नाम से हम बोलते हैं काउंटर EMF। इसका फॉर्मूला आता है P5Z9/60। एक मिनट, EB बराबर, देखिए ये आपको मोटर में आपको बैक EB लगेगा, बैक EMF, ठीक, विरोधी विद्युत वाहक बल। और आपको जनरेटर में क्या होता है, EG होता है, यानी कि जनरेट हम करते हैं, EG होगा वहाँ पर। तो फॉर्मूला आपका सेम यही होता है, P5Z9/60 है। 65Z9/60 हो गया। और यही आपको लैप वाइंडिंग में पूछता, तो P5Z9/60 सेम रहता। और आपको वेब वाइंडिंग में पूछता तो P5Z9/60 वहाँ पे 120 हो जाता, क्योंकि आपको पोल की संख्या कितनी होती है, आपको लैप वाइंडिंग में बराबर होती है और वेब वाइंडिंग में आपको 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
डीसी मोटर के बैक में, सॉरी ये तो हो गया क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, ओपन सर्किट में आर रेजिस्टेंस एंड करंट क्या होता है। तो ओपन सर्किट में यानी कि खुला परिपथ में रेजिस्टेंस जो होता है वो अनंत होता है और करंट आपको शून्य होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई जाने वाली वोल्टेज कितना होती है। तो 415 आती है आपको, स्टेप डाउन करके हमको 240 वोल्टेज देती है ट्रांसफार्मर के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अग्निशमन में असमुद्रिंग क्या होता है। असमुद्रिंग और फायर एक्सटिंग्विशर में आप लोग पढ़ते होंगे, जो असमुद्रिंग में जो काम होता है वो आपको आग को पानी से उसको अलग करना ऑक्सीजन से, और यही आपको सर्विंग पूछता तो माने कि ईंधन से आपको अलग करता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कॉपर एटम में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाहरी यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कॉपर। तो कॉपर में हम जानते हैं टोटल कितना होता है, 29 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर एटम जो संयोजी होता है लास्ट में वो आपको एक होता है, 2, 8 उसके बाद 18 उसके बाद लास्ट में एक होता है, टोटल 29। 23 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति किसके माने कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी क्वेश्चन था। तो इसका फॉर्मूला होता है आपको P5Z(N/60A) इसका होता है, उसी पे जो बैक ईएमएफ होता है ना, इसी टाइप पे इसमें क्वेश्चन था। यदि आपको पूछेगा एन किसके होता है तो बैक ईएमएफ के समानुपाती होता है और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आपको जैसे शंट मोटर में पूछता है ना, तो शंट मोटर सीरीज मोटर में ऐसा कंडीशन होता है, यहाँ पर होना चाहिए शायद बैक ईएमएफ किसके समानुपाती होगा, तो आपको फ्लक्स के समानुपाती होगा यदि P5Z(N/60A) पे लगाइएगा। तो जो भी चालक है आपको पोल की संख्या है, फ्लक्स होता है, स्पीड होता है, वो आपको समानुपाती होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, एसी सर्किट में निम्न पावर फैक्टर को किससे कनेक्ट करते हैं। तो लोड के समानांतर आपको कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देते हैं निम्न माने कि लो पावर फैक्टर के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, डायमैग्नेटिकली इंड्यूज ईएमएफ। तो डायमैग्नेटिकली इंड्यूज ईएमएफ बराबर होता है आपको BIL साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 हर्ज अल्टरनेटर दो पोल की गति RPS में निकालिए। तो यानी कि रनिंग पर सेकेंड हमको निकालना है सेकेंड में, ना कि हमको RPM में डायरेक्ट निकाल के मान निकाल देंगे दो पोल होता है 50 हर्ज डायरेक्ट 3000 RPM, तो नहीं। तो एक होता है फॉर्मूला आपको NS सिंक्रोनस स्पीड 120 × FP, तो 120 × 50 हर्ज/2 तो काट दीजिएगा तो कितना हो गया आपको 3000 हो गया, ठीक। तो हमको बोला RPS में, तो 3000/1 min/60 s, तो सेकेंड में हमको निकालना है, तो काट देंगे 6×5=30, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 50। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दो चुंबकीय पोल की कार्य करने वाला बल उनके क्या होता है, मैंने पूछा गया था। तो जो जो बल होता है इसका F1 F = m1 × m2/rds². तो केंद्रों के बीच के दूरी के वर्ग के आपको ये माने उल्टा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, पिन टाइप इंसुलेटर कितना से हम उपयोग उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्वेश्चन था ये पूछा था। तो पिन टाइप में हम आपको 33 के भी से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, और मिनिमम जो एक इंसुलेटर जो होता है आपको ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में वो आपको 11 kV का पर होता है। और आपको साइकिल इंसुलेटर पूछेगा तो साइकिल इंसुलेटर आपको 650 वोल्टेज होता है, 650 वोल्टेज होता है। और आपको सस्पेंशन पूछेगा तो पर डिस्क आपको 11 होता है, जो कि आपको 33 kV से ऊपर हम उसका सस्पेंशन इंसुलेटर का हम उपयोग करेंगे। और 29 नंबर क्वेश्चन है, चालकता यानी कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी। तो कंडक्टेंस एक फॉर्मूला होता है G/1/R, इससे हम आपको तीन फार्मूला निकाल लेंगे। एक होता है आपको 1/R, तो एक फार्मूला हो गया R इनवर्स हो गया इसका ओम, ठीक। और एक फार्मूला हो गया आपको सीमेन हो गया, और एक फार्मूला हो गया आपको महो हो गया। आपको तीनों का सेम है, यही क्वेश्चन आपको
ये क्वेश्चन में इंग्लिश पहले देखेंगे कि क्या क्या कर रहा है, स्पेसिफिक करंट टेंस बोले पूछेगा, वहाँ पे चालकता देता है तो वहाँ पर भी आपको मोह पर मीटर या सीमेन पर मीटर होता है। तो पहले इंग्लिश को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में इंग्लिश में था, आपको कंडक्टेंस था और चालकता था, तो मोह या सीमेन, इसमें मोह था तो मोह लगाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक पावर सिस्टम में विभिन्न अनुप्रयोग की लोड फैक्टर इंडिविजुअल अधिकतम मांगों का योग सिस्टम के अधिकतम का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन में था आपको लोड फैक्टर डाइवर्सिटी गुणांक, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा उसमें ठीक से हम इसमें अधिकतम या इस क्या था उसको ठीक से नहीं देख पाए, इसमें हम नोट कर लिए हैं। शायद हमको लग रहा है कि डाइवर्सिटी गुणांक इसमें होना चाहिए क्योंकि डाइवर्सिटी गुणांक का मान हमेशा आपको एक से अधिक होता है, नहीं तो उसके बाद जितना भी होता है लोड फैक्टर डिमांड फैक्टर सबका आपको एक से कम होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपको 6 वर्ष होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध संगीतकार क्या थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध आपको शहनाई वादक थे, और क्वेश्चन पूछेगा आपको तबला वादक कौन था, तो तबला वादक आपको जाकिर हुसैन था। और नॉन टेक्निकल में आपको जो कि इंग्लिश था वो आपको पैसिव पैसेज इनक्रेजमेंट से आपको पैसेज था, थोड़ा लेंदी था हल्का, और मैथ मैथ ठीक ठाक था आपको, सिंपल टू मॉडर्न आपको सिंप्लीफिकेशन ओनली 5-6 क्वेश्चन था आपको। जीके भी आपको पूरा बनाने वाले आपको बनाए सही था, उसमें कोई इतना हाई लेवल नहीं था। रीजनिंग आपको थोड़ा लेंदी था जो कि डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग से आपको सारांश लेवल जैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही सेल इसको स्टील प्लांट का क्वेश्चन जो कि था मेरे पास, आपको 33-34 क्वेश्चन जो हम कलेक्ट किए थे, ये क्वेश्चन को हम पूर्ण रूप से सोल्यूशन किए हैं। आप लोग बताइए कि इसमें क्वेश्चन आपका कितना सही हो रहा है वो आप कमेंट करके बताइएगा, और आप एग्ज़ाम दिए कि नहीं दिए, क्योंकि पेपर तो बहुत अच्छा था, टेक्निकल आपको सिंपल ही कह सकते हैं, उतना इसमें ओनली 14 से 15 आपको 40 क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, वो भी आपको जिसका प्रैक्टिस अच्छा होगा वो आपको तुरंत उसको सोल्यूशन आपको सेकेंडों में कर सकते थे। और नॉन टेक्निकल थोड़ा वैसे भी जानते हैं कि जिस स्टूडेंट का टेक्निकल बहुत अच्छा होता है उसका नॉन टेक थोड़ा हल्का वीक होता ही है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा भी बहुत पढ़ते रहिएगा तो आराम से आप नॉन टेक्निकल को भी आप रिकवर कर सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।